नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ये है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। भारत में एक ही दिन में कोविड के 4000 से ज्यादा मामले, 67,152 पर पहुंचा आंकड़ा। जेल में गिरने के बाद आजम खान की पत्नी हुई चोटिल। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह रंगदारी मामले में भेजे गए जेल। मुलायम सिंह को अस्पताल से छुट्टी मिली। ऊर्जा मंत्रालय के कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद श्रम शक्ति भवन सील। गृह मंत्रालय ने राज्यों से सभी निजी क्लिनिक खुलवाने को कहा। ठाकरे और अन्य ने महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए पर्चा भरा। देश भर में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से खरीदा 252 लाख टन गेहूं। सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों के लिए की बस की व्यवस्था। भड़काऊ भाषण मामले में शर्जिल ने हाईकोर्ट का रुख किया। विश्व के 25 देशों में स्कूली पाठ्यक्रम पूरा करवाएगा सीबीएसई।